और अलग अलग साइज के होते हैं कुछ बड़े होते हैं कुछ छोटे होते हैं कुछ मोटे होते हैं कुछ पतले होते हैं ओके okay? जैसे एनिमल्स लाइक जिराफ्स एलिफेंट्स राइनोसेरस कंगारूस बेर्स लायंस ये सब क्या है ये बिग एनिमल्स है ये बड़े एनिमल्स है लेकिन कुछ एनिमल्स क्या होते हैं वो लोग छोटे होते हैं जैसे कि रैट्स सब एनिमल्स ये स्मॉल एनिमल्स होते हैं ओके इंसेक्ट जैसे कि बीज हुए बटरफ्लाई देर ऑल्सो वेरी स्मॉल एनिमल्स ठीक है ओके नाउ वी विल सी द वाइल्ड एनिमल्स वाइल्ड एनिमल्स किन को कहा जाता है वो एनिमल्स जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं जो कि जंगल में रहते हैं उनको क्या कहा जाता है वाइल्ड एनिमल्स फॉर एग्जाम्पल कंगारू एलिफेंट लायन जेब्रा एटसेट्रा दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स देन वी विल सी डोमेस्टिक एनिमल्स डोमेस्टिक एनिमल्स किनको कहा जाता है उनको जिनको हम पालते हैं और जो हमारे लिए काम करते हैं ठीक है जिससे कि हमें भोजन मिल सके उनको क्या कहा जाता है डोमेस्टिक एनिमल्स ठीक है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल काउ शीप गोट हैन हॉर्स एटसेट्रा ठीक है काउ हमें क्या देते हैं हम लोग उसको पालते क्यों हैं, उससे हम लोग को दूध मिलता है ठीक है शीप से हमें क्या मिलता है हमें ऊन मिलता है या वोल मिलता है एंड गोट गोट से हमें मीट मिलता है और हैन हम लोग क्यों पालते हैं उसे हम लोग मीट भी मिलता है प्लस हम लोग को उसे एग भी मिलता है ठीक है और हॉर्स हम लोग क्यों पालते हैं वो हम लोग को ट्रैवल करने में यहां से वहां जाने में हमारी मदद करता है ठीक है नेक्स्ट विल सी पेट एनिमल्स पेट एनिमल्स क्या होते हैं पालतू एनिमल्स जिनको हम लोग शौक से अपने घर में पालते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल डॉग्स कैट्स पैरट्स जो तोता होता है फिश रैबिट्स इनको हम लोग घर में पालते हैं क्योंकि हम लोग को उस वो पसंद आते हैं इसीलिए हम लोग उसको पालते हैं और उन्हें पेट एनिमल्स कहा जाता है ठीक है सो देर आर थ्री कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स फर्स्ट इज वाइल्ड एनिमल्स द सेकेंड इज डोमेस्टिक एनिमल्स एंड द थर्ड इज पेट एनिमल ओके होते हैं जिनके जो स्केल्स होते जो बाहर होते है ना स्केल्स और उनके ऊपर में हार्ट शेल होता है ठीक है उनके जो स्किन जो होता है ना वो स्केल्स होते हैं या फिर हार्ट उनका जो कड़ा जो होता है वो बहुत शेल होता है दे आर कॉल्ड रेप्टाइल्स फॉर एग्जाम्पल स्नेक लिजार ओके नाव विल सी द बर्ड्स भी एनिमल्स है ठीक है उनके दो पैर होते हैं और बोलो कैसे वो लोग चलते हैं वो लोग उछल उछल के वो लोग हॉप करके वो लोग चलते हैं और उनके क्या होते हैं दे हैव विंग्स एंड फेदर्स विच हेल्प देम टू फ्लाई उन्हें उड़ने के लिए उनके जो विंग्स होते हैं या फेदर्स होते हैं उसके हेल्प से वो लोग आसमान में उड़ सकते हैं और बर्ड्स के क्या होते हैं वो वो लोग क्या से खाना खाते हैं दे हैव बीक्स बीक जो होता है उसके उससे वो लोग खाना खाते हैं एंड जनरली दे लिव ऑन ट्रीज वो पेड़ में रहते हैं और अंडे देते हैं ठीक है पर कुछ बर्ड्स हैं जो कि उड़ नहीं सकते हैं ओके सो एग्जाम्पल ऑस्ट्रिच पेंगुइन एमू ये ऐसे बर्ड्स हैं जो कि उड़ नहीं सकते हैं द एग्जाम्पल ऑफ बर्ड्स दैट कैन फ्लाई आर स्पैरो पिजन किंगफिशर ईगल एटसेट्रा ओके Now we will see the insects. Okay, the insects are very small animals. ये लोग बहुत ही छोटे जानवर होते हैं और insects जो होते हैं उनके छ pair होते हैं छ pair होते हैं and दो two, two pairs of wings होता है ठीक है दो जोड़ा उनका wings होते हैं जिससे कि वो लोग उड़ने में मदद करते हैं लेकिन कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जो कि उड़ नहीं सकते जैसे कि जो एंट्स होते हैं ठीक है उनके वे उड़ नहीं सकते है चीटियां जो है वो उड़ नहीं सकती है द अदर एग्जाम्पल्स ऑफ इंसेक्ट्स आर हाउस फ्लाई बटरफ्लाई कॉकरोच grasshopper, mosquito, these are examples of insects. Okay. Now we'll see where the animals live. theek hai Animals लो कहाँ पे रहते हैं? कुछ animals क्या होते हैं? वो लोग land में रहते हैं। जैसे कि bear, camel, lion, cat. ये सब क्या हैं? ये ये सब लैंड में रहते हैं ठीक है जमीन में वो लोग रहते हैं कुछ एनिमल्स क्या है वो लोग पानी में रहते हैं क्या कौन कौन है वो एनिमल्स फिश ऑक्टोपस वेल एटसेट्रा लिव इन वॉटर ये राइट और कुछ एनिमल्स है वो लोग पानी में भी रहते हैं और लैंड में भी रहते हैं वो कौन है वी विल सी दे आर Crocodile, duck, tortoise, frog, etc. These are animals that live both in land and in water. Okay, so we end this chapter. Thank you.